हेलो फ्रेंड्स, स्वागत जनाउछी अमर यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया को। आई होप आपण समस्ते बहुत भल रे। तो वर्तमान मु आपण मानन को पई नै आसीछी अमर कॉन्स्टिट्यूशन संपर्क रे 30 एमसीक्यू जहा कि आपणकर एग्जाम बेस्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उपरे ता उपर ही मु आपण मानन को पई 30 क्वेश्चन नै आसीछी। तो चालंतु आउ डेरी न करी से 30 क्वेश्चन वर्तमान डिस्कस करिने बा। तो एगुड़ी को आपण को निहाती भाव रे आपण करे एग्जाम रे हेल्प करिबा। तबे ठीक अछि, हमरो फर्स्ट क्वेश्चन ते रही छी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यार सटीक आंसर टी रहिबो ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42वां संविधान संशोधन को आम कॉन्स्टिट्यूशन रो गोटिए प्रतिछवि हिसाब रे सूचित करा जाय थाए तथा ताहाको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। निम्नोक्त मध्यरु केउ स्टेटमेंट टी फॉल्स तथा भूल अटे। ऑप्शन ए मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन बी द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 10 शेड्यूल्स। ऑप्शन सी द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एमानको मध्यरु केउ स्टेटमेंटटा भूल अटे, तो एहार सटीक आंसर टी रहइबो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होची एर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी कोन रहिची द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हार्ड 10 शेड्यूल्स। तो आमरो केतोटी शेड्यूल रहिची आपण माने कमेंट बॉक्स रे तार आंसर दियंतु। आम कॉन्स्टिट्यूशन रो टोटल केतटा शेड्यूल रहिची। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन दि रहिची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम। ऑप्शन ए मेजॉरिटी पार्टी पावर, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन सी अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो एमानक मध्यरु इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम रो फीचर गुड़िक संपर्क रे हमको पचरा जाइछि। तो एमानक मध्यरु केउटी इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम रो फीचर नुहे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम। तो एमानक मध्यरु सब गुड़िक मेजॉरिटी पार्टी पावर, प्रेजेंस ऑफ एक्चुअल एग्जीक्यूटिव एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, एगुड़िक कौनसी भी इंडियन पार्लियामेंटरी सिस्टम रो फीचर नुहंती। तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन डी। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। निम्नोक्त मानक मध्यरु केउंटी सठिक भाव रे मैच करू नहंती। ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14-18, ऑप्शन बी राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20-22, ऑप्शन सी राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25-28, ऑप्शन डी राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशन फ्रीडम आर्टिकल 29-30। तो एरो सटीक आंसर टी कोन हेबो, निहाती भाबरे एरो सटीक आंसर टी हेबो ऑप्शन बी होचे एरो राइट आंसर। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 20-22 मध्यरे नाही। तो राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्यों क्यों आर्टिकल मध्य रही, तो यार राइट आंसर आम देखिले जे आर्टिकल 20-22 मध्य नाही। तो क्यों क्यों आर्टिकल रे राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन रही ना 23rd and 24th आर्टिकल मध्य राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आम कॉन्स्टिट्यूशन रे रही। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली। ऑप्शन ए पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज, ऑप्शन बी पार्ट 2 सिटीजनशिप, ऑप्शन सी पार्ट 3 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन डी पार्ट VI
ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟସ୍। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କେଉଁ ପେୟାର୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟୁନିଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଟେରିଟୋରି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ପାର୍ଟ ଟୁରେ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ପାର୍ଟ ଭିଆଇରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। କାରଣ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ କିନା ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଇଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସ୍ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ଥରେ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ପାର୍ଟ ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ, ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି, ଯେଉଁଟାକି ଅପ୍ସନ୍ ସି ରହିଛି। ତ ଅପ୍ସନ୍ ସି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିସି କେଉଁଥିରେ ରହିଲା, ପାର୍ଟ ଆଇବିରେ। ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ରାଇଟ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାର୍ଟ ଥ୍ରୀରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏଟା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଚ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ଡ କରେକ୍ଟଲି। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆର୍ଟିକଲ୍ 312 ଦ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଆର୍ଟିକଲ୍ 110 ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ବିଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆର୍ଟିକଲ୍ 112 ବଜେଟ୍, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆର୍ଟିକଲ୍ 51A ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍। ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ନଟ୍ କରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ଡ, ତ ଏହାର ଯଦି ଡି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଦେଖିବା ନିହାତି 51A ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 112ରେ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ଆର୍ଟିକଲ୍ 110ରେ ଡେଫିନେସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ବିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ସନ୍ ଏରେ ଯାହା ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 312 ଦ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 312 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ ଦ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତ 312 ଆର୍ଟିକଲ୍ରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆମମାନଙ୍କୁ, ତ ଆର୍ଟିକଲ୍ 312 ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଫଙ୍କସନ୍ସ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଥିରେ ସୂଚନା ରହିନି। 312ରେ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭିସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ 312 ଅନୁସାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରହିଲା। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ୍ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱାଟ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆଇର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କାନାଡ଼ା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ତ ଯେଉଁ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର ଆଇଡିଆଟା କାହା ପାଖରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତଥା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ କାହାଠାରୁ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର ଆଇଡିଆକୁ ଆଣିଛି, ଆଇର୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ, କାନାଡ଼ାରୁ, ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ, ନା ଜାପାନରୁ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ କନ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର ଆଇଡିଆ ଆମ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ସେଭେନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ୍ଡ ୱିଥ୍। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଫ୍ରମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏରିଆଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଫ୍ରମ୍ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ। ତ ସେଭେନ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କାହା ସହିତ କନ୍ସର୍ନ ରଖୁଛି, ଫ୍ରମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି, ନା ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାୱାର୍ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି, ନା ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏରିଆ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କର, ନା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଉଛି, କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେଭେନ୍ଥ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ର। ତ ସେଭେନ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର୍ସ ବିଟୁଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ତ ଅପ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟେକେନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରିଟିଶ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଇନ୍ ଦ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରୁଲ୍, ଅପ୍ସନ୍ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଆମେମାନେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ସିନା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଚାଲିଚଳନି ଆମ ପାଖରେ ରହିଗଲା, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବ୍ରିଟିଶ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆମ ପାଇଁକି, ଆମ ଭଲ ପାଇଁକି ତାକୁ ରଖିଛି।
तो एमानंक मध्यरे जो चारोटी ऑप्शन रहिछि एमानंक मध्यरो केउटी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो आसी नाही बोली एठारे पचरा जाइछि। तो ऑप्शन ए रहिछि पार्लियामेंटरी रूल, ना सिंगल सिटीजनशिप, ना फंडामेंटल राइट्स, ना कैबिनेट सिस्टम। तो पार्लियामेंटरी रूल आसीछि, सिंगल सिटीजनशिप मध्य आसीछि, कैबिनेट सिस्टम मध्य आसीछि, आसीनी जदि फंडामेंटल राइट्स आसीनी। तो फंडामेंटल राइट्स होछि आरो सठिक आंसर, ऑप्शन सी होछि आरो सठिक आंसर। तो फंडामेंटल राइट केउं कॉन्स्टिट्यूशन रो, आम कॉन्स्टिट्यूशन को आसीछि, तो फंडामेंटल राइट्स आमरो आसीछि यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रो, ठीक अछि, मन रहला। तो पार्लियामेंटरी रूल, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम आसीछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो बरो करा जाइछि, किंतु फंडामेंटल राइट्स यूएसए रो कॉन्स्टिट्यूशन रो बरो करा जाइछि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कांट बी नल ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन ए आर्टिकल 14 टू 18, ऑप्शन बी आर्टिकल 19, ऑप्शन सी आर्टिकल 20-21, ऑप्शन डी आर्टिकल 29-30। तो एमानंक मध्यरु केउ आर्टिकल को नेशनल इमरजेंसी टाइम रे नोल करा जाई पारिबो नाही, कारण ताको अनदेखा करा जाई पारिबो नाही, को आर्टिकल को अनदेखा करा जाई पारिबो नाही जबकि सेतबेले नेशनल इमरजेंसी चले थिबो, ठीक अछि। तो एमानंक मध्यरु सठिक आंसर टी होउछि ऑप्शन सी आर्टिकल 20-21, कारण एटा कारण आर्टिकल 20-21 रे आम मानको एजुकेशन बा शिक्षार अधिकार दिया जाइछि। तो नेशनल इमरजेंसी चली थिले मध्य सेई टाइम रे आमको शिक्षार अधिकार रु केहि भी वंचित करि परबे नाही। तो एर सठिक आंसर टी होउछि ऑप्शन सी आर्टिकल 20-21, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट इंप्लाइजेस। ऑप्शन ए प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू हाई स्कूल, ऑप्शन बी स्पेशल असिस्टेंस टू बैकवर्ड क्लासेस टू एडुकेट देम, ऑप्शन सी प्रोविजन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स रन बाय द गवर्नमेंट और रिसीविंग एड आउट ऑफ गवर्नमेंट फंड, ऑप्शन डी राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। तो एयर सठिक आंसर टी कौन हेबो, तो एयर सठिक आंसर टी होउची ऑप्शन डी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एया आम मानको सूचना दउची जे जेकोनसी माइनॉरिटी कैटेगोरी रे आसुथांतु लोक माने सेमानकर ए अधिकार रहिची जे सेमाने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तांकर चॉइस तांकर पसंद हिसाब रे सेमाने प्रतिष्ठा करि परिबे, ओके। देन क्वेश्चन डी रहिची, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन ए द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी was granted by the original constitution but it has since been removed the list of fundamental rights, option c the right to property was never a fundamental right under the indian constitution, option d the right to private property which was granted by the original constitution has been made more sacrosanct by the 44th amendment। to air sathik answer ti kon hebo, emananko madhyaru keunti सठिक अटे। तो यार सठिक आंसर टी होउची द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज ग्रांटेड बाय द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज सिंस बीन रिमूव द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो आमे माने जानिछे जे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी रो जो राइट थिला, तो लोक मानक ठारु जो फंडामेंटल राइट दे जाय थिला संपत्तिगत अधिकार पई की, तो सेटा लोक मानक ठारु छोडे निया जाय छी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट मध्यरे आउ जाऊ नाही, तेनु ऑप्शन बी होची यारो राइट आंसर, ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दि रहिछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स वाज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर बी आर अंबेडकर एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अंबेडकर को अनुसार हमरा कॉन्स्टिट्यूशन रो हार्ट एंड सोल क्यों राइट को कहा जाय थाय, तो तार ऑप्शन गुड़ी को वर्तमान देखने बा, ऑप्शन ए राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन बी राइट टू फ्रीडम,
ऑप्शन सी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यही चारोटि मध्यरु सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी, ठीक अछि, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज होची एरा सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी माने कोन। ऑप्शन ए द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी द राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ऑप्शन सी राइट ऑफ सिटीजन्स टू डिश ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन डी राइट टू मूव द कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन डी, ठीक अच्छे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी रो माने होची राइट टू मूव द कोर्ट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अच्छे। देन आम आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जी। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीड्स इज यूज्ड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी मांडामोस, ऑप्शन सी सर्टियोरारी, ऑप्शन डी को वारंटो। तो एमानक मध्यरु केउं रीट टी को इश्यू करा जाय थाय कोर्ट द्वारा इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन। जणे व्यक्ति विपक्ष रे जदि इलीगल डिटेंशन किछि आसीछि तो सेई टाइम रे केउं रीट इश्यू करा जाय थाय कोर्ट द्वारा, हैबियस कॉर्पस ना मांडामस ना सर्टियोरारी ना को वारंटो। तो एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एटा तो ए क्वेश्चन टी एग्जाम रे बहुत बार आसी थाए। तो एयर सठिक आंसर टी होची हैबियस कॉर्पस, ठीक अछि। तो ऑप्शन ए होची एयर राइट आंसर, जेते बेले कोनोसी व्यक्तित्व तथा व्यक्ति विपक्ष रे इलीगल डिटेंशन करा जाय थाए तो सेही टाइम रे कोर्ट द्वारा हैबियस कॉर्पस रिट इश्यू करा जाय थाए, मन रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड टू कोर्ट्स कॉर्पोरेशन और ए पर्सन डायरेक्शन देम टू परफॉर्म देयर पब्लिक ड्यूटी। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी को वारंटो, ऑप्शन सी मांडामस, ऑप्शन डी प्रोहिबिशन। तो एमानक मध्यरु सठिक आंसर टी होउछि कोन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होउछि एर राइट आंसर, मांडामस होउछि एर ठीक आंसर, ठीक अछि। देन आम आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इश्यूड बाय द हाई कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ए नॉन जुडिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन ए पर्टिकुलर केस। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी को वारंटो, ऑप्शन डी सर्टियोरारी। तो एई मानक मध्यरु केउ रिट टी को हाई कोर्ट रु लोअर कोर्ट को तथा नॉन जुडिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन को इश्यू करा जाय थाय टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन ए पर्टिकुलर केस। गोटे केस को लेकिन जो प्रोसीडिंग करा जाय थाय सेटा को स्टॉप करबा लागि एमानक मध्यरु हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को तथा नॉन जुडिशियल पब्लिक इंस्टीट्यूशन को रिट इश्यू करिथंती। तो यार सठिक आंसर टी हबो प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट करा जाउ से जो केस को पर्टिकुलर केस को जो बारंबार प्रोसीड करा जाउ छै सेटा को प्रोहिबिट करा जाउ। तो यार सठिक आंसर होची प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी हो चेयर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय ए हायर कोर्ट आस्किंग द लोअर कोर्ट टू सेंड द रिकॉर्ड ऑफ ए पर्टिकुलर केस टू इट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड द केस। ऑप्शन ए हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी को वारंटो, ऑप्शन सी सर्टियोरारी, ऑप्शन डी मांडामस। तो यार सठिक आंसर टी हम ऑप्शन सी सर्टियोरारी, ठीक अच्छे। सर्टियोरारी हूँ से रिट जोटा कि इश्यू करा जाए थे गोटे हाई कोर्ट रु गोटे लोअर कोर्ट को, एटा पचरा जाए थे जे जो रेकर्ड रही था गोटे पर्टिकुलर केस रो तार जो ग्राउंड रही था, ठीक अच्छे। तो से केस जदि समाधान न हो पारे तो हायर कोर्ट को सेटा पठा जाए थे। तो हायर कोर्टा से लगे क्वेश्चन करी थे लोअर कोर्ट को, ठीक अच्छे। एटार सठिक आंसर टी हम सर्टियोरारी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही अंडर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स ए पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन टू व्हिच ही इज ऑफिशियली नॉट एंटाइटल्ड।
ऑप्शन ए मांडामस, ऑप्शन बी को वारंटो, ऑप्शन सी शटरारी, ऑप्शन डी मांडामस। तो एमानंक मध्यरु केउ रिट अनुसारे जने पर्सन कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग एन एक्शन टू व्हिच ही इज ऑफिशियल नॉट एंटाइटल्ड। ऑफिशियली जदि से कोनोसी एक्शन सहित संप्रुक्त नहीं तो ताहाकु प्रिवेंट करबा लागि एमानंक मध्यरु केउ रिट जने पर्सन अप्लाई करि परिबो। ठीक अछि, मांडामस ना को वारंटो ना सर्टिरारी ना मांडामस, मांडामस मांडामस दुई थर ऑप्शन रे रही जाइछि। तो यार किंतु सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन बी को वारंटो। ठीक अछि, तो नेक्स्ट हम हमरो 20 नंबर क्वेश्चन को जिबा। तो क्वेश्चन टी रहिछि, टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स द फॉरेनर्स आर एंटाइटल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन सी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन डी ऑल द अबव राइट्स। तो ए मानंक मध्यरो केउ राइट अनुसारे द फॉरेनर्स आर एंटाइटल्ड अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एयर सटीक आंसर टी हबो ऑप्शन डी ऑल द अबव राइट्स। ए सब राइट गुडाक होची एयर सटीक आंसर। तो ऑप्शन डी होची हमारा 20 नंबर क्वेश्चन रो ठीक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए पब्लिक ओपिनियन, ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार सटीक आंसर टी हेबो कोनो, यार सटीक आंसर टी होची ऑप्शन डी द कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज द सैंक्शन बिहाइंड द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली यार आंसर द कॉन्स्टिट्यूशन हेबो। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, द मेन पर्पस फॉर द ग्रांट ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन्स इज। ऑप्शन ए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ऑप्शन सी टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, ऑप्शन डी टू एस्टेब्लिश सोशलिस्ट सोसाइटी। तो फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन मानंकु प्रदान करिबार मेन पर्पस कौन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी ना टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ना टू एस्टेब्लिश सोशलिस्ट सोसाइटी। तो एमानंक मध्यरु सठिक आंसर टी कौन हेबो ना ऑप्शन बी प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। जने व्यक्तिर व्यक्तित्वर जो लिबर्टी थाए ताको प्रोटेक्ट करबा लागि फंडामेंटल राइट आमर इंडियन सिटीजन मानंकु आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रदान करिछि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रहिछि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नोक्त मध्यरु केउ स्टेटमेंटटा सठिक अटे देखिनेबा। ऑप्शन ए द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स कैंट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द पार्लियामेंट बाय ए टू थर्ड मेजोरिटी। ऑप्शन सी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। Now option D, the fundamental rights of the Indian citizens can be suspended by the president during the national emergency as well as emergency arising due to breakdown of constitutional machinery in a state. So yara sathik answer ti hobo, to yara sathik answer ti hobo option C, the fundamental rights of Indian citizens can be suspended by the president during the national emergency. National emergency time re इंडियन सिटीजन मानंकर फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाए थे, किंतु 20 एवं 21 आर्टिकल रे जहां आमको फंडामेंटल राइट बा आमको जो मौलिक अधिकार दिया जाए छि ताहा कोनोसी प्रकार रे सस्पेंड करा जाए न थाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही छि, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ए द फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एब्सोल्यूट। Option B, the fundamental rights of the Indian citizens are non-justiciable. Option C, the fundamental rights of the Indian citizens are justiciable.
ऑप्शन डी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी। तो यार सठिक आंसर टी होची ऑप्शन सी द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन्स आर जस्टिसेबल। ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन टी रही द फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन ना नेशनल इमरजेंसी ना ऑल टाइप ऑफ इमरजेंसीज ना इन ऑल द अबव केसेस। फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग कौन यारो सठिक आंसर टी कौन हम निहाती भाव में ऑप्शन बी ओनली नेशनल इमरजेंसी टाइम रे ही फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दि जाए 20 और 21 आर्टिकल को छाड़ी वर्तमान आम ताे। ठीक अच्छे तो यार सठिक आंसर टी हूँ ऑप्शन बी नेशनल इमरजेंसी। ओके देन क्वेश्चन टी रही द ऑर्डर्स फॉर द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर इश्यूड बाय द पार्लियामेंट by the president on the recommendation of the supreme court। option c by the president with the approval of the parliament। option d by the president with the approval of the council of ministers। to ehara sathik answer ti hobo option c by the president with the approval of parliament। the orders for the suspension of fundamental rights issue kara jai the jete bele president पार्लियामेंट रो अप्रूवल नहीं कि फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करी थांती। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन डी रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रॉन्गली लिस्टेड। ऑप्शन ए द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स डू नॉट फाइंड एनी प्लेस इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन बी द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड अटैच टू मच इम्पोर्टेंस टू द interest of the individual। option c the remedies for the protection of the fundamental rights are very expensive and beyond the capacity of ordinary citizens। option d the rights are hedged with so many restrictions and limitations that they virtually become ineffective। so error sathik answer ti hochi option b the fundamental rights are absolute and attach too much importance to the इंटरेस्ट ऑफ़ द इंडिविजुअल। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ़ द फॉलोइंग अथॉरिटीज इज ऑथराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन ए द पार्लियामेंट ऑप्शन बी द सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो एमानक मध्यरु केउ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ऑथराइज करा जायछि टू इम्पोज reasonable restrictions on fundamental rights। तो एहर सठिक आंसर टी होची ऑप्शन ए द पार्लियामेंट। ओके हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन रहिची द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द इंडियन सिटीजन्स। ऑप्शन ए फॉर्मड ए पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। ऑप्शन सी वेयर एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट। ऑप्शन डी वेयर डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट थ्रू ए लॉ एनएक्टेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो आमर फंडामेंटल ड्यूटी संपर्क में जो इंडियन सिटीजन मानक फंडामेंटल ड्यूटी दि जाइए कि मौलिक कर्तव्य रही भारतीय नागरिक मानकर तो एमंर जो ऑप्शन रही सठिक आंसर टी कौन है ना ऑप्शन बी हूँ यार सठिक आंसर वेयर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन अनुसार फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन सिटीजन मानको प्रदान करा जाय छी। तो एर सठिक आंसर टी होची ऑप्शन बी वेयर एडेड बाय द 42nd अमेंडमेंट। ओके तो हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन तथा हमरो लास्ट क्वेश्चन टी रहिछि द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर कंटेंड इन ऑप्शन ए पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी पार्ट IVA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एमानक मध्यरु केउ पार्ट रे अमर मौलिक कर्तव्य संपर्क रे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो सूचना दे जैछि फंडामेंटल ड्यूटी संपर्क रे। तो एहर सठिक आंसर टी होउछि ऑप्शन सी पार्ट IVA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आईवी रे कौन अच्छी ना डीपीएससी संपर्क रे सूचना दिया जाए छी एवं IVA रे कौन रहिला ना
फंडामेंटल ड्यूटी संपर्क रे सूचना दिगला। ठीक अच्छे, तो यहपर भाव में आम 30 एमसीक्यू बर्तमान डिस्कस करने आई होप तुम्हें माने बुझीपारी जे आमर जहाँ भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थिला सेगुड़ी को बर्तमान आम डिस्कस करने तेब। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्लास रे आम किसी नुआ टॉपिक संपर्क रे कथा हेबा। थैंक यू।